स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यस आईटीआई टेक्निकल क्लासेस पे। तो आज हमारी ये तीसरी क्लास है जिसमें हम डीसी जनरेटर के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है विद्युत वाहक बल का समीकरण, यानी डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण आज हमारा टॉपिक है। तो इसी टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं और इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके आल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसी टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल समीकरण। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं, इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत वाहक बल समीकरण का मतलब ये होता है कि जब डीसी जनरेटर चलता है ना, तो आप जानते हैं कि उसके चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो उसको हम गणितीय रूप में कैसे हम निकालेंगे, तो विद्युत वाहक बल को निकालने के लिए एक समीकरण बनाया गया जिसका नाम है विद्युत वाहक बल समीकरण। तो उसी समीकरण को हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि मान लीजिए, जिसको हम फाई से डिनोट कर रहे हैं, यानी फाई जो यहाँ पे है वो फ्लक्स प्रति ध्रुव वेबर में है। यदि जेड चालकों की संख्या, यानी चालकों की कुल संख्या है यहाँ पे, और यन जो है आर्मेचर की गति आरपीएम में है। P है ध्रुवों की संख्या, यहाँ पे A है आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, यानी आपके जो आर्मेचर होता है उसमें समानांतर पथों की संख्या कितनी है उसको हम A से डिनोट करते हैं। अगला है E, E इक्वल टू आर्मेचर के किसी समानांतर पथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी एक समानांतर पथ में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसको हम E से डिनोट करते हैं। तब जो औसत जनित विद्युत वाहक बल होगा, यानी जो एवरेज विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या है, डी फाई अपान डी टी, यानी ई एवरेज इज इक्वल टू डी फाई अपान डी टी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सूत्र है। तो जहाँ डी टी इज इक्वल टू 60 बाई यन सेकेंड में है, और आपका डी फाई इज इक्वल टू पी फाई, ठीक है, यानी डी टी का मान 60 बटा में यन सेकेंड है, और डी फाई जो ये डी फाई है उसका मान है पी फाई। तब अगर हम डी टी और डी फाई को इस समीकरण में रख दें तो हमें क्या मिलता है, ये आपका हो जाएगा ई एवरेज। ई एवरेज अगर डी फाई के जगह रखेंगे तो क्या होगा, देखिए डी फाई इसकल टू क्या है, पी फाई है, और यहाँ पे डी टी इसकल टू क्या है, 60 बाई एन। तो डी टी की जगह पे आपको रखना होगा 60 बाई एन। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा ई एवरेज इसकल टू पी फाई एन अपॉन 60 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका कितना विद्युत वाहक बल, एवरेज कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ये इसका फार्मूला है, यानी ई एवरेज इसकल टू पी फाई एन अपान 60 वोल्ट। तो मान लीजिए यदि एक चालक में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल, एक चालक में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रत्येक पथ या समानांतर पथ में चालकों की संख्या के गुणनफल के बराबर है, तब क्या होगा आपका फार्मूला। तब आपका एक चालक में औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो पी आई जेड एन अपान 60 गुणे जेड वाई पी, यानी प्रत्येक समानांतर पथ में चालकों की संख्या कितनी होगी। तो जितने चालक होंगे कुल चालक में, अगर समानांतर पथों का भाग दे देते हैं तो आपको पता चल जाएगा प्रत्येक पथ या समानांतर पथ में चालकों की संख्या, यानी एक समानांतर पथ में कितने चालक हैं उसकी संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आप मान को पुट करते हैं तो आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू फाई जेड एन अपॉन 60 गुणे पी वाई ए, यानी ये आपका है विद्युत वाहक बल का समीकरण। तो ये एग्जाम में पूछता है, यानी CVT एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस फार्मूले को आपको रट करके जाना है, आपको याद करके जाना है, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो चलिए इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं, कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। जो आपके जनरेटर में बाइंडिंग की जाती है,
तो उसके आधार पे हम इस फार्मूले को निकालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि डीसी जनरेटर में दो तरह की बाइंडिंग की जाती है, पहली जो बाइंडिंग होती है वो लाइन बाइंडिंग होती है और दूसरी तरंग बाइंडिंग होती है, यानी वेव बाइंडिंग होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइन बाइंडिंग के लिए विद्युत वाहक बल का समीकरण, ठीक है, ईएमएफ इक्वेशन। तो देखिए लाइन बाइंडिंग के लिए इसका शर्त है, लाइन बाइंडिंग जब भी आप करेंगे तो लाइन बाइंडिंग में जो ध्रुवों की संख्या होती है वो क्या होती है, समानांतर पथों की संख्या के बराबर होती है, यानी ध्रुवों की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या होती है। यानी अभी आप पढ़े हैं कि ध्रुवों की संख्या आपको किससे डिनोट करते हैं, तो P से डिनोट करते हैं, और समानांतर पथों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, तो A से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि A बराबर P हो रहा है। तो अगर हम विद्युत वाहक बल के समीकरण में A के जगह पे P रखें या P के जगह पे A रखें और रख के देखते हैं कि क्या आता है। तो चलिए पहले हम विद्युत वाहक बल समीकरण को लिखते हैं। तो विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है, E बराबर पी फाई जेड एन अपान 60 ए। अगर इसमें हम P के जगह पे A को रखते हैं तो क्या होता है, P के जगह पे हमें A रखना है, तो A गुड़े फाई गुड़े एन गुड़े 60 A। तो देखिए यहाँ नीचे भी A है और ये नीचे भी A है और ऊपर भी A है, तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो लय बाइंडिंग के लिए विद्युत वाहक बल का समीकरण पी फाई एम अपान 60 A हो जाएगा, 60 हो जाएगा वोल्ट। तो इस तरह से आपका लाइन बाइंडिंग के लिए विद्युत वाहक बल का समीकरण ज्ञात हो गया। अब चलिए अगला जो बाइंडिंग हम करते हैं वो है तरंग बाइंडिंग यानी वेव बाइंडिंग। तो उसके लिए हम कैसे विद्युत वाहक बल का समीकरण निकालेंगे उसको देख लेते हैं। तो हमें तरंग बाइंडिंग के लिए विद्युत वाहक बल का समीकरण निकालना है, ठीक है, ई एम एफ इक्वेशन आपको ज्ञात करना है। तो तरंग बाइंडिंग के लिए शर्त क्या होता है कि समानांतर पथों की संख्या सदैव दो होती है। तो इस शर्त को आपको याद रखना है, समानांतर पथों की संख्या सदैव दो होती है, तो किस बाइंडिंग के लिए होती है, तरंग बाइंडिंग के लिए होती है। वहीं लाइन बाइंडिंग के लिए क्या थी, पी इज इक्वल टू ए था। तो इस शर्त को आपको याद रखना है और इसको भी याद रखना है। तो अगर हम विद्युत वाहक बल का समीकरण में ए के जगह पर दो रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो चलिए रख के देख लेते हैं, ई बराबर होता है पी फाइव जेड एन अपान 60 A। अगर यहाँ अगर मान रखते हैं तो पी फाइव जेड एन बटा में 60 और ए के स्थान पे क्या रखना है, दो रखना है, दो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका पी फाइव जेड एन अपान 120 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो तरंग बाइंडिंग है, तरंग बाइंडिंग के लिए विद्युत वाहक बल का समीकरण पी फाई जेड एन अपान 120 है यानी 120 है वोल्ट हो गया, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है पी फाई जेड एन अपान 120 वोल्ट। और लैब के लिए क्या याद रखना है, लैब के लिए आपका फार्मूला हो जाएगा फाई जेड एन अपान 60, ये आपका हो जाएगा लैब बाइंडिंग के लिए, ठीक है, लैब बाइंडिंग के लिए। ये हो गया आपका, ये वाला फार्मूला है तरंग बाइंडिंग के लिए और ये वाला फार्मूला है लैब बाइंडिंग के लिए। तो जब भी अभी सवाल में बोलता है कि तरंग बाइंडिंग के लिए ईएमएफ इक्वेशन ज्ञात करिए, तो तरंग बाइंडिंग के लिए आपको फार्मूला है ये वाला लगाना है पी फाई जेड एन अपान 120 वोल्ट। यदि सवाल में बोलता है कि लैब बाइंडिंग के लिए आप ईएमएफ का इक्वेशन ज्ञात करिए, तो आपका फार्मूला हो जाएगा ई बराबर फाइव जेड एन अपान 60 वोल्ट। तो इस तरह से हम डिस धारा जनित का विद्युत वाहक बल समीकरण ज्ञात करते हैं।
तो चलिए इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। आपका प्रश्न है, एक चार ध्रुव डीसी जनित्र के आर्मेचर में 722 चालक हैं तथा वह 1200 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूम रहा है। यदि फ्लक्स प्रति ध्रुव 0.02 वेबर हो तो निम्न दशा में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करें। दशा क्या है? पहली कंडीशन है कि यदि आर्मेचर लैब कुंडली हो, दूसरी कंडीशन है यदि आर्मेचर तरंग कुंडली हो, यानी लैब बाइंडिंग और तरंग बाइंडिंग वेव बाइंडिंग दोनों के लिए आपको ईएमएफ का इक्वेशन समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए इस फार्मूला लिख देते हैं। तो लैब बाइंडिंग के लिए फार्मूला क्या बताए थे? तो लैब बाइंडिंग के लिए फार्मूला है φZn/60 और तरंग के लिए क्या था? E=P5Zn/120 वोल्ट। तो इस फार्मूले पे आपको ये सवाल हल करना है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सवाल में क्या दिया हुआ। तो देखिए सवाल में बताया कि चार ध्रुव हैं, टोटल चालकों की संख्या 722 है और 1200 चक्कर प्रति मिनट की गति से घूम रहा है, ठीक है। और फ्लक्स प्रति ध्रुव कितना है? 0.02 वेबर है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे जेड बराबर क्या है? 722 और पी बराबर दिया है 4 और आपका एन बराबर दिया है 1200 चक्कर प्रति मिनट और फाई का मान ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं, यानी फाई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर है आपका 0.02 वेबर, ठीक। और आपको क्या करना है? इस फार्मूले में रखना है। तो चलिए फार्मूले में रखिए। तो फाई का मान कितना दिया है? 0.02, यानी 0.02 गुड़े जेड का मान क्या है? 722 है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 722 गुड़े चक्करों की संख्या कितना है? तो यहाँ पे 1200 है, तो 1200 आपको लिख लेना है, बटा है तो बटा कर लीजिए और 60 है तो 60 से भाग दे दीजिए, ठीक। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे और आपका 6 से कटेगा ये, तो 6 गुना कितना हो जाएगा? 12, यानी 20 हो जाएगा। अब आपको गुणा कर लेना है, तो चलिए गुणा करते हैं। ये आपका हो जाएगा, अगर देखें तो हो जाएगा 0.02 गुड़े 722 गुड़े 20 हो जाएगा। अब अगर आप गुणा करते हैं तो क्या होगा? यदि आप गुणा करते हैं तो इसका आ जाएगा 240.6 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अगला है आपका तरंग कुंडली के लिए ईएमएफ इक्वेशन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पी का मान कितना दिया है? 4 दिया है, तो आपको 4 लिखना है गुड़े फाई का मान कितना दिया है? तो 0.02 गुड़े जेड का मान कितना है? 722 है, तो आपको 700 यहाँ पे 22 लिखना है गुड़े यह क्या है? चक्करों की संख्या, तो यानी 1200 है चक्करों की संख्या, तो यहाँ पे आपको 1200 लिख लेना है, बटा है तो बटा कर लीजिए। इसके बाद नीचे है 120, तो 120 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये 120 इकलिए में 120 यानी कितना हो जाएगा? 10 बार जाएगा, तो नीचे आपको लिख लेना है। ये देखिए 4 × 8 हो जाएगा, तो यानी 0.08 गुणे 722 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक। अगर 10 का गुणा करते हैं इसमें तो ये दशमलव कितना आ जाएगा? एक अंक घसक के आ जाएगा, यानी 0.8 हो जाएगा गुणे 722 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? 8 × 16 को 6 हाथ में लगा एक, फिर 8 × 16 एक 17 हो जाएगा, फिर हाथ में लगाए और 8 × 7 कितना हो जाएगा? 56 × 57 हो जाएगा, ठीक है। एक अंक पे 10 गुना होता है, आप 10 गुना लगा लीजिए, तो यहाँ पे आपका कितना आ रहा है? 577.6 वोल्ट। तो इस तरह से आपको हल करना है, आप एक बार हल करके देख लीजिएगा कितना आ रहा है, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।
इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।